हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं आप डॉक्टर लोकेश दवे आपका फिर से बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी से गुजर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक थेरेपी जो है वो हर तरह की बीमारी के लिए बहुत उपयोगी है। और उसमें भी एक बात यह है कि हर बीमारी के लिए बहुत वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसके कारण हम लोग कई असाध्य बीमारियों को भी होम्योपैथी के माध्यम से ठीक कर पाते हैं। सो यदि आप एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, या होम्योपैथी में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको होम्योपैथी की जो वाइड वेराइटी है, किस तरह से होम्योपैथी के पास इतना बड़ा रेंज है जो कोई भी बीमारी को ठीक करने में हेल्पफुल है, और उसके लिए एक बीमारी के लिए कई तरह की दवाइयां हैं। सो शुरू करते हैं हमारे 12th रीजन के साथ में। मार्च 29, 1878, एक माँ अपनी 10 साल की बेटी को लेकर आती है, जिसमें उस बच्ची को बहुत ज्यादा खून की कमी है, थकान, भयंकर थकान है, पेट बहुत गड़बड़ है, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन बहुत सारा है, एक लैसिट्यूड, बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं है, गले में दर्द है, बार बार गले में दर्द होना, इसके बाद में याददाश्त बिल्कुल खो जाना, बदबूदार सांस में से बहुत बदबू आना, स्प्लिन बड़ी होना, और साथ में जब जांच करते हैं डॉक्टर बर्नेट, तो वहां पे उन्हें एंडोकार्डियल ब्रूट्स मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हार्ट के इन्वॉल्वमेंट को भी शो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो मेन प्रॉब्लम, हिचकी, लगातार हिचकियां आना, तो ये सब बहुत सारी कंप्लेंट्स लेकर उस मरीज को लेकर उसकी माँ आती है बच्ची को लेकर। और डॉक्टर बर्नेट नोटिस करते हैं कि वो इतनी कमजोर है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। और जब डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि उसे वेरिसिला और मीजल्स दोनों इन्फेक्शन हुए थे। जब होम्योपैथी के हिसाब से टोटालिटी की जाती है और हम देखते हैं कि थूजा इंडिकेटेड आ रही है, तो डॉक्टर बर्नेट उस पेशेंट को थूजा देते हैं इंटरकरेंटली कुछ दिनों के लिए। हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में बच्ची रिकवर होना शुरू होती है, उसका स्प्लिन घट के आधा रह जाता है, हिकफ्स या हिचकियां जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑडली उसका जो एंडोकार्डियल मर्मर है या ब्रूट है वो भी बंद हो जाता है। सो दिस इज द मिरेकल ऑफ होम्योपैथी, किस तरह से अगर सही मेडिसिन चूज की जाए तो उसका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स देता है। तो डॉक्टर बर्नेट ने बताया कि जैसा हमने हिकफ्स, हिचकी के केस में देखा, कि हम तीन अलग अलग केसेस देखे हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, अलग अलग कॉजेस हैं, अलग अलग कारण हैं, उसके हिसाब से अलग अलग मेडिसिन हैं। होम्योपैथी में यही होता है। होम्योपैथी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमने देखा कि सबसे पहला केस जो है वो साइक्लामेन से ठीक हुआ, दूसरा केस हमने देखा जो नेट्रामियूर से ठीक हुआ, तीसरा केस आज वाला जो छोटी बच्ची थी वो थूजा से ठीक हुई है। तो ये वाइड रेंज है, ये वैरायटी है होम्योपैथी की, कि आप किस तरह से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और कितनी वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन हैं हर बीमारी के लिए। सो इसीलिए डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं कि ये जो एक वाइड वैरायटी है, ये एक होम्योपैथी डॉक्टर को मास्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ ट्रीटमेंट होने का एक ओहदा देती है। अब इसमें जो लोग होम्योपैथी को जानते हैं और समझते हैं, उनके लिए तो ये चीज बहुत इजी समझ में आ गई कि कितनी वैरायटी है और किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथी में। पर जो लोग नहीं समझते हैं, और कई जानकार लोग, बहुत अच्छे जो इन्वॉल्व होना चाहिए थे होम्योपैथी में, वो कई बार इसी कारण से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कितनी वाइड रेंज है और किस तरह से होम्योपैथी का उपयोग करना है। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज है कि होम्योपैथी की एक स्टडी डीप होना चाहिए, आपको हर एंगल पता होना चाहिए कि कब कौन सा एंगल कहाँ लागू होगा, किसको क्या मेडिसिन देना है, तो वो क्या इफेक्ट देगी। तो जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, तब तक आप होम्योपैथी को नहीं समझ सकते हैं।
और यही दिक्कत है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, डॉक्टर बनर बोलते हैं कि भाई तू अगर मुझसे पूछेगा कि अगर मुझे हिचकी है तो मुझे क्या मेडिसिन देंगे, तो डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं बहुत इसका स्पष्ट सा जवाब है, वही मेडिसिन जो कि तुम्हारे सिम्टम्स के सिमिलर होगी, कोई फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये तीन मेडिसिन हो, यूरोपियन साइक्लामेन हो या नेट्रम्यूर हो या थूजा हो, आपको जो सिमिलर होगी, जो बेस्ट सूट करेगी, वही मेडिसिन आपके लिए बनी है और वही आपकी हिचकी को दूर करेगी। ये होम्योपैथी है और इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी समझें, पेशेंट्स भी समझें इसको, बहुत सिमिलारिटी, सिम्टम सिमिलारिटी इज द बेस ऑफ होम्योपैथिक चॉइस ऑफ मेडिसिन। अब ये केस तो यहाँ डॉक्टर बर्नेट कंक्लूड करते हैं। अगला जो 13वां रीजन है उसमें डॉक्टर बर्नेट बताने जा रहे हैं किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन से एफोनिया, जो आवाज बंद हो जाती है, वो खुल गई और कैसे, कौन सी मेडिसिन की हेल्प से वो ठीक हुआ। हम लोग अगले एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे। टिल देन आप सभी दोस्तों से मेरा यही फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने होम्योपैथिक मित्र हैं और कितने भी जो भी पेशेंट्स वगैरह हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि होम्योपैथी की क्या स्ट्रेंथ है वो लोगों को पता चले। अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं और बहुत जल्द ही आप लोगों से अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।